आपको भी न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक, और समाज को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, संसद में वापस जाएंगे और आपकी आवाज उठाएंगे। आखिर में वही नारा, जितने शोषित लोग हैं अगर हम सारे एक मंच पे आ जाएं तो क्या हम अपनी सरकार नहीं बना सकते? आज तुम्हें गोलियां चलानी पड़ रही है और पीछे से कायर की तरह। अरे कायरों भीमा गोरे गायों का इतिहास याद है कि नहीं याद? जंतर मंतर पे आप लोग जो इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज ये अग्नि परीक्षा आपको, मेरे भाई चंद्रशेखर जी को, आज पूरे समाज को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है और जंतर मंतर पे भी, क्योंकि ऊपर से अग्नि बरस रही है इतनी गर्मी में। ये अग्नि परीक्षा आप दे रहे हैं और इस अग्नि परीक्षा में आपने पसीना भी बहुत बहाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा, बदलाव लेके आएगा। और इनकी आवाज के साथ अपनी आवाज भी मिलाने आए हैं। और मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कहना चाहता हूं, आपके संघर्ष को नमन करने, आपके संघर्ष को सलाम देने देते हुए मैं कहना चाहता हूं, देश के संसद का सत्र चल रहा है जहां से हम आए हैं। आप अभी सांसद नहीं हैं, आने वाले समय में हमें विश्वास है आप वहां पहुंचेंगे देश की तकदीर और तस्वीर के लिए, हमें विश्वास है वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन आज संसद से ही हम आए हैं यहां पे और वापस संसद जाएंगे। आज आप वहां सांसद नहीं है तो ये मत सोचना कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप पे ऐसा दुस्साहस हो और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसकी आवाज ना उठे। हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में कार्य स्थगन प्रस्ताव लेके आएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। आपको भी न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक, और समाज को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपका भाई जैसा साथ निभाएंगे। यही कहने मैं हरियाणा से चल के आया हूं। अब संसद में वापस जाएंगे और आपकी आवाज उठाएंगे। आखिर में वही नारा जो हमको, आपको और हमको एक स्वर में वो नारा जो एक कर देता है, जिस नारे से इनको डर लगता है, जिस नारे से जो प्रधानमंत्री जी और जो यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं सारी सरकार, जिस नारे की गूंज रात को भी उनको सुनाई देती है। बोलो मेरे साथ, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। कोई कार्रवाई नहीं है। जो ये हरकत करने वाले हैं, क्या उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलने चाहिए? लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ इतने जलील आदमियों का। साथियों, मैं एक बात आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आज 1% लोग से भी कम है देश के अंदर जिन्होंने देश की पूरी सत्ता पे, पूरी देश की संपत्ति पे और पूरे देश के नेशनल मीडिया पे कब्जा कर लिया है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। साथियों, हमें जितने लूटे पीटे लोग हैं, किसान है, मजदूर है, दुकान वाले हैं, जितने शोषित लोग हैं, अगर हम सारे एक मंच पे आ जाएं तो क्या हम अपनी सरकार नहीं बना सकते? तो फिर पूंजीपतियों की सरकार हमारे देश में कैसी है? तो क्या आप संकल्प लेते हो कि इस पूंजीपतियों की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। साथियों, ये चंद पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है और आज जरूरत है इनके विरुद्ध लड़ने की। आज हमारे देश में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, 23 करोड़ लोग जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कितने गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाते, कितने गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, कितने गरीब लोग हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो साथियों, इस पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत पड़ेगी और ये आपकी एकता से ही बदल सकती है।
अगर सारे किसान, सारे मजदूर, सारे शोषित अगर एक मंच पर इकट्ठे होकर लड़े तो कोई वोट इनकी फैक्ट्री में नहीं बनती, वोट आपकी है और राज उन पूंजीपति लोगों का है। तो साथियों, मैं अपनी बात बहुत ज्यादा ना कह के केवल इतना कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर भाई को अकेला मत समझें। जहां चंद्रशेखर भाई के ऊपर आंच आई, वहां पूरा हमारा किसान वर्ग आपके साथ में खड़ा नजर आएगा। चाहे लठ बजाना पड़ जाए तो भी, चाहे सड़कें रोकनी पड़ जाए तो भी, और चाहे चुनाव में आमने सामने होना पड़ जाए तो भी। भाई भाई, तो जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, हम पूरी तरह उन भाइयों के साथ हैं। कहीं भी हमारी जरूरत पड़े, चंद्रशेखर भाई को जरूरत पड़े, किसी और दलित समाज के भाई को जरूरत पड़े, हमारा पूरे का पूरा संगठन हमेशा आपके साथ में खड़ेगा और एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो साथियों, मैं बस अपनी बात को विराम देता हूं और जय मजदूर जय किसान के नारे लगाऊंगा। थोड़ा नारा जोर से लगाएं, जय मजदूर जय मजदूर। अगर जंतर मंतर से जंतर मंतर आने में डेढ़ घंटा मुझे लगा है तो आईवी वालों जरा रिपोर्ट बढ़िया से सरकार को भेजना। दोस्तों, दो मिनट बात रखती है, मैं एक मैसेज सिर्फ दे रहा हूं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है कि भाई चंद्रशेखर को पहले एक सलाह दे रहा हूं कि आज ही घोषणा कर दो कि 25 नवंबर को रामलीला ग्राउंड भरेंगे दिल्ली। आज ही घोषणा कर दो कि 25 नवंबर को रामलीला ग्राउंड भर देंगे। मैं 25 साल से जंतर मंतर पे आ रहा हूं, ऐसी भीड़, ऐसी रैली मैंने नहीं देखी। दोस्तों, पहले तो एक डंडे में गांव के गांव बस्तियां हका देते थे, एक डंडे में गांव का गांव हाँक देते थे, और आज तुम्हें गोलियां चलानी पड़ रही है। बात समझ रहे हो ना, बदलाव आया है। आज तुम्हें गोलियां चलानी पड़ रही है और पीछे से कायर की तरह। अरे कायरो भीमा गोरे गायो का इतिहास याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हिंदू कॉलेज में। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उस पर प्रेस वार्ता में कल करने वाला हूं, लेकिन मैं संक्षेप में आपके सामने वो बात रखना चाह रहा हूं। भाई चंद्रशेखर और साथियों, आपके आने वाली पीढ़ियों का कब्रगाह बन रहा है IIT, मेडिकल और विश्वविद्यालय। जो लोग सोचने समझने बोलने वाले लोग हैं उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसे सुसाइड करना पड़ रहा है। इसलिए एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, कैंपस घेरो। जहां पे ये सरकार गोली नहीं चलवा सकती है, बदमाश गोली नहीं चला सकते, वहां पे विश्वविद्यालयों में आपके बच्चों के साथ आपके दिमाग की नशे को दबा के उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। सवाल डरने का नहीं है, सवाल सुसाइड मत करो, लड़ो, इनसे मुकाबला करो और आंख में आंख मिलाकर बोलो, How dare you? ये बोलो, ये सरकार दो काम कर रही है, एक नौकरी खत्म कर रही है तो मिडिल क्लास नहीं होगा तो आपके पास कहां से आगे का पैसे। दूसरा, आपके आने वाली पीढ़ी को विश्वविद्यालयों में तबाह करवा रही है प्रिंसिपल वाइस चांसलर डायरेक्टर के माध्यम से। इसलिए इसका जब तक प्रतिकार नहीं करेंगे, ये आवाज सड़क से लेकर संसद तक नहीं उठेगी, तब तक ये माहौल बदलने वाला नहीं है। शुक्रिया साथियों, इतना ही मुझे कहना था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।